नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंह हनुमान मंदिर में, जो कि चांदनी चौक दिल्ली 6 में स्थित है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का पौराणिक महत्व क्या है और ये मंदिर कितने साल पुराना है, इस मंदिर में क्या मान्यताएं हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की एकमात्र मंदिर, जी हाँ, नरसिंह हनुमान मंदिर, जो कि कहा जाता है कि काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी काफी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इस मंदिर का रहस्य आखिर क्या है, आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। इस मंदिर में आने की बड़ी ही सरल सुविधा है। आप दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाएं और उससे काफी नजदीक पड़ता है ये प्राचीन मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं नरसिंह भगवान की। नमस्कार महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर का क्या पौराणिक महत्व है। नमस्कार, हर महादेव आपके सभी दर्शकों को। मंदिर ये पिछले 250 वर्ष से भी अधिक पुराना है और यहाँ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर पे मेहनत है। पहले हमारे पिताजी थे, दादाजी, परदादाजी, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलते आ रहे हैं। अभी हमारी 12वीं 13वीं पीढ़ी से यह मंदिर में चल रही है। और मंदिर का महत्व मैं मतलब अपना क्या ही तारीफ करूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। और सिद्धपीठ मंदिर है, स्वयंभू हनुमान जी हैं यहाँ पर, जो कि मूर्ति हमने यहाँ पधराई भी नहीं है, ये स्वयंभू यहीं से निकली थी जमीन से। और यहीं फिर हमारे पीढ़ी दर जो पहले पुराने दादा गुरु वगैरह थे, परदादा गुरु वगैरह, उन्होंने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। इनकी उपासना करने से हर प्रकार के संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का हर अवतार बहुत खास रहा है। उनके हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा है। इसके साथ ही बात करते हैं उनके मंदिर की, जो कि काफी पौराणिक है और जिनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की चांदनी चौक इलाके का एकमात्र मंदिर, नरसिंह हनुमान मंदिर, जिसके पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान हनुमान का वो रूप है जो कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं है। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो दूसरे मूर्तियों से काफी अलग है, तो इसका कुछ कारण, विशेष कारण। ये हनुमान जी की प्रतिमा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्वयंभू हनुमान जी हैं और खुले मुख के हनुमान जी हैं। जब सूर्य को मुंह में लेने जा रहे थे, ये वो वाला रूप है बाबा का। और यहाँ बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं, जो आप मन्नत मांग के जाते हैं वो पूरी होती है, मतलब आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, शुक्र शनिवार इतवार, 3 दिन झड़ा लगता है यहाँ पर। और उसमें सभी, किसी के कुछ बीमारी है, कुछ कैसी भी दिक्कत है, समस्याएँ हैं, उन सबका फ्री इलाज यहाँ होता है जी। महाराज जी, एक बात और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग भी अपनी आस्था और श्रद्धा लेके यहाँ पे आते हैं झाड़ा करवाने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स आते हैं, और मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, मतलब यहीं बाबा के चरणों में पैदा हुआ हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है हमारी। तो कई मुस्लिम फैमिली भी हैं जो यहाँ पर आकर के ठीक हुई हैं। बस क्या है कि हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, तो थोड़ा नेम कर्म होते हैं जो हम उनसे बोलते हैं कि आपको ये नेम कर्म करने पड़ेंगे, जैसे प्याज लहसुन छोड़ना, नॉनवेज तो बहुत दूर है, प्याज लहसुन भी छोड़ना, तो प्याज लहसुन छोड़ना, दूध दूध से बनी चीज़ और व्रत की दाल चावल वगैरह, ये सब चीज़ें हम छुड़वाते हैं उनकी। और उसके बाद कई मुस्लिम फैमिली अभी यहाँ से ठीक हुई हैं। सुमिरो पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देव मोहिने हर हो कलेश विकार। तो जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि मुस्लिम फैमिली भी काफी यहाँ करके ठीक हुई है, तो उसमें एक पुराना मेरे को भी याद आ रहा है कुछ, एक बच्चा था जो बचपन से अपंग था और उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, मतलब वो अभी 12-15 साल का हो गया था और वो अपनी माँ की गोद में आता था, मतलब चल के नहीं आ पाता था, उसके दोनों पैर टेढ़े थे बचपन से, कोई बीमारी थी उसके। तो हमारे फादर साहब गद्दी में बैठते थे तो उन्होंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे इसका ये इलाज होगा और ऐसे आप कीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो उस बच्चे की माँ ने सुना और जैसे हमारे पिताजी ने फादर साहब ने बताया तो वैसे उन्होंने उसको माना और किया, परहेज किए और शुक्र शनिवार इतवार तीनों दिन झाड़ा लगवाने आए वो और जल बहुत वगैरह ली, अर्जी दरखास्त लगवाई उसकी। 5 से 6 महीने लगे, आप मानेंगे नहीं, वो बच्चा स्वयं मतलब अकेला भाग भाग करके झाड़ा लगवाने आने लगा और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की, जो अपने मुख में सूरज को निगले हुए हैं। इस मूर्ति के पीछे भी एक कथा छुपी हुई है। मंदिर में एक हनुमान जी की प्रतिमा है जो 1.25 मन चांदी की है, जो 150 वर्ष पुरानी है, जिसके साल में 2 बार ही दर्शन होते हैं। एक हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन हनुमान जी महाराज को निकाला जाता है और उसके बाद उनका दूध से जलाभिषेक करके फिर उनको रथ में रखकर यात्रा निकाली जाती है। यात्रा पूरा पुरानी दिल्ली घूमते हुए, सारा पुराना बाजार घूमते हुए वापस मंदिर आती है। दूसरा, हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो जन्माष्टमी वाले दिन आपको दर्शन करने को मिलेंगे। बाबा की प्रतिमा का इतना महत्व है कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्टों का निवारण हो जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा और भी है, क्योंकि यहाँ पर बजरंग बली जी भी स्थापित हैं, जिनका बाल्य स्वरूप है। कहते हैं जब माँ अंजना बजरंग बली को सुलाने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गई, तो जब वो वापस लौटी तब उन्होंने देखा कि बजरंग बली जी तो है ही नहीं। तब उन्होंने ध्यान से देखा कि बजरंग बली जी तो सूर्य देव के पास है, क्योंकि उनको बहुत तेज भूख लगी थी और उन्होंने सूर्य देव को अपने मुंह में रख लिया था। उन्हें लगा शायद ये कोई फल है, जिसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस बात से इंद्र देवता काफी क्रोधित हो उठे। सूर्य देवता को बचाने के लिए इंद्र देव ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया, जो हनुमान जी की ठुड्डी पर जा लगा। वज्र के उस प्रहार से हनुमान जी का मुख खुल गया और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता वायु देवता भी वहां पहुंच गए और अपने पुत्र को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वायु देवता ने क्रोध में आकर पवन रोक दिया। ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर वायु देव फिर से बहने लगे। तभी से हनुमान जी को वरदान भी प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि हनुमान जी पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर सबसे आगे रहने का वरदान दिया, जिससे जुड़ी हुई अनेक प्रकार की कथाएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से प्रचलित हैं। इस मंदिर में नरसिंह भगवान का सिंगार सोने के आभूषणों से किया गया है। मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर 250 वर्ष पुराना है। जहाँ राम नहीं वहाँ हनुमान नहीं, इसलिए हनुमान जी की प्रतिमा के बाद ही श्री राम दरबार है। तो आपकी यहाँ पे इस मंदिर में कितनी श्रद्धा है, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरा बेटा 1.25 महीने का था, मैं तब से इसे झाड़ा लगवा रही हूँ। जब इसे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी मैं, और श्रद्धा मतलब अटूट श्रद्धा है, मतलब श्रद्धा इस टाइप से है कि आंख बंद करके मुझे विश्वास है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ बार बार आती हूँ। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी शक्ति है इनके अंदर। कि आपकी मतलब कितनी आस्था है, क्या श्रद्धा है मंदिर के बारे में, आप क्यों आना चाहते हैं इस मंदिर में, कब से आ रहे हैं? देखिए, मंदिर से तो मैं बचपन से आ रही हूँ। मेरी चांदनी चौक मेरा ननिहाल है, तो मेरी मम्मी भी, मैं भी, अब मेरे बेटे को भी मैं यहाँ लाती हूँ और इस मंदिर में हमारी अटूट श्रद्धा है। और जब भी कोई मतलब
हमें थोड़ा सा तकलीफ वगैरह होती है तो हम अक्सर यहाँ झाड़ा लगवाने आते हैं। और ये मंदिर बेहद प्राचीन है। ये मंदिर बहुत पुराना है। मैं करीब 50 साल से इस मंदिर में आता जाता रहा हूँ। मेरी उम्र 75 साल हो गई है और मेरे को कोई भी तकलीफ होती है मैं इसी मंदिर में आता हूँ और इसी मंदिर से मेरा सारा उद्धार हुआ है। इस मंदिर में मेरे को आते आते 25 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा मेरे को महसूस होता है। कभी मैं इस मंदिर में आने के बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ता और जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे आके झाड़ा लगवाता हूँ। और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरा कभी कोई भी काम मेरा रुका नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है कि कभी भी मैं कोई भी परेशानी होती है तो मैं यहाँ पे आके झाड़ा लगवाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं फ्यूचर में कभी ऐसी कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई, कोई संकट नहीं है और हमेशा इनके आशीर्वाद से मेरे सारे काम पूरे होते हैं। नरसिंह भगवान की प्रतिमा पूरे दिल्ली में कहीं भी मौजूद नहीं है, केवल दिल्ली के चांदनी चौक में भक्तों को भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उनके साथ मां लक्ष्मी की प्रतिमा और प्रहलाद को अपने पास बिठाए हुए हैं। नरसिंह हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। सुबह की आरती 5 बजे शुरू हो जाती है, वहीं संध्या 8 बजे से भक्त शाम की आरती करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान को लड्डू अत्यंत प्रिय है, इसलिए नरसिंह हनुमान मंदिर में भी लड्डू और सवा मनी और श्रृंगार भोग के रूप में चढ़ता है। ये प्रसाद आपको मंदिर के आगे लगी दुकानों में भी मिल जाएगा। नरसिंह हनुमान मंदिर में लोगों के सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। तो ये थी हमारी यात्रा नरसिंह हनुमान मंदिर की। हमने काफी कुछ जाना इस मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं शिव प्रिया सिंह।